दोस्तों कैसे आप लोग आए बच्चों। तो आज मैं दिखाने वाला हूँ ये जो 12x लेंस है इसका जूम कितना होता है दोस्तों, ये कितना दूर तक ये जूम कर पाता है, कितना अच्छी क्वालिटी मिलती है इसमें और बैकग्राउंड ब्लर कितना दूर तक होता है, मतलब जूम करने के बाद वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये जो लेंस है उसका सारा कुछ क्वालिटी आपको आज पता चल जाएगा, कितना दूर तक जूम करता है, बैकग्राउंड भी ब्लर देता है दोस्तों। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखो, आई होप ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू करने पर छोटी बात की चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, पास में घंटी है तो कॉल कर देना, टेक्नोलॉजी लेटेस्ट और टेक्नोलॉजी वीडियोस आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। तो चलिए इस तरह की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो ये हमारा लेंस, टेलीफोटो लेंस देख सकते हो 12x। तो इसको आज हम जूम करने वाले हैं और कितना दूर तक ये चीज़ों को फोकस करते हैं ये आज देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलो अब इसे ट्राई करते हैं। तो चलो मोबाइल पे सेट करूँगा और यहाँ पर देखते हैं हमारा बैकग्राउंड कितना दूर पर है। तो बहुत दूर पर है ये जो बैकग्राउंड है, कम से कम 30 फुट दूर है। तो चलो अब इसे हम फोकस करते हैं और कितना क्लियर देते हैं देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लेंस को लगा दिया और यहाँ पर हम चलो फोकस को पहले एडजस्ट कर लेते हैं और ये देख सकते हो ब्लर हट गया। तो आप देख सकते हो ये जो चीज़ें बहुत दूर पे थे और थोड़ा सा मोबाइल से भी थोड़ा सा जूम कर लिए और देख सकते हो कि क्लियर भी बहुत आ रही है और चीज़ों भी बहुत क्लियर भी यहाँ पर दे रही है देख सकते हो। और यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हो पंछी का घोंसले यहाँ पर है, तो ये भी थोड़ा सा क्लियर आ रही है, तो बहुत अच्छी है देख सकते हो। और ये बहुत ही चीज़ों मतलब बहुत दूर था, ये जो सारी चीज़ें देख रहे हो आप, तो ये बहुत ही दूर है, मतलब वो चीज़ों को हमने यहाँ पर जूम करके हमारा मोबाइल पे एकदम पास आ गया देख सकते हो, बहुत ही अच्छा है। और इधर भी ये चीज़ देख सकते हो, वो जो पेड़ है पीछे तो वो हम देखने वाले हैं। तो चलो अब लगा दिया और चलो अब फोकस को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं लेंस को घुमा के, तो थोड़ा ब्लर आ रही है अभी, तो चलो घुमा दिया तो अभी देख सकते हो क्लियर आ रही है। तो चलो अब जूम देख सकते हो, तो जूम करने के बाद ये देख सकते हो फाइनल रिजल्ट। और यहाँ पर कुछ चीज़ों फोकस करेंगे तो बैकग्राउंड भी ब्लर बहुत अच्छी मिल रही है और ये थोड़ा पास में था, तो यहाँ पर चलो अब दूर का कुछ ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर ये पेड़ देख सकते हो नारियल का, तो यहाँ पर जूम कर लिया देख सकते हो, यहाँ पर बहुत ही अच्छा आ रही है, लेकिन थोड़ा सा लाइट पड़ने की वजह से थोड़ा सा इधर क्वालिटी थोड़ा बेकार हो रही है। तो यहाँ पर देख सकते हो और यहाँ पर वॉल के यहाँ पर देखो वॉल में फोकस कर रहा हूँ तो पीछे का बैकग्राउंड भी बहुत ही अच्छा ब्लर दे रहा है एकदम DSLR की तरह।